देखिए, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी ने भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक बनाई थी, उनके सुपुत्र ने उसे भारतीय किसान यूनियन अराजक बना दिया। उन्होंने दिल्ली बॉर्डर को घेरा और खालिस्तानियों और देश विरोधी ताकतों से पैसा लेकर उन्होंने न सिर्फ चुनी हुई सरकार के खिलाफ एक तरीके से विद्रोह का प्रयास किया, बल्कि जनता के अधिकारों को उन्होंने दबाने का प्रयास किया। उसका उदाहरण देता हूं कि अगर आज ये कृषि कानून लागू होते तो जो किसान है वो खुले बाजार में गेहूं बेच पाता। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमत 3,500 रुपये क्विंटल पहुँच गई है, लेकिन आज भी वो किसान 1900-2000 रुपये बेचने के लिए, क्यों? इन लोगों की वजह से ना। ये जो इन्होंने पूरा एक ऐसा माहौल बना दिया कि सरकार आपके अधिकारों को छीन रही है, किसान इनके साथ खड़े हो गए, तथाकथित किसान इनके साथ खड़े हो गए। आज वही किसान अडानी की फैक्ट्रियों में जा जाकर गेहूं बेच रहा है सिर्फ, लेकिन अगर वो कुछ किसान बेच पा रहे हैं जो समृद्ध किसान है, लेकिन अगर ये किसी कानून पास हो जाते तो आज हर कोई किसान इसका फायदा उठा रहा होता। प्रधानमंत्री ने कहा है कि दुनिया की भूख मिटाने के लिए भारत के पास अनाज है, लेकिन उसे बेचने के लिए किसानों के पास ना संसाधन है ना कानून है। इन्होंने उसे अराजक संगठन बनाकर छोड़ दिया। खालिस्तानियों से इन्होंने पैसा लिया, खूब पैसा आया इनके पास, और जब तक पैसा आता रहा ये वहाँ बैठे रहे। जब किसान पंजाब के किसानों ने आंदोलन वापस ले लिया, ये फिर भी 3 या 4 दिन तक वहाँ बैठे रहे। क्यों बैठे रहे? क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं यह था कि शायद कोई ना कोई मुझे पैसा देगा। मेरी भी कुछ सूचनाएं हैं, उसके हिसाब से पंजाब से किसानों ने, किसी ने 5 लाख, किसी ने 10 लाख, किसी ने 20 लाख पैसा दिया। वो संगठन के नाम पर आया, लेकिन संगठन की किसी रसीद बुक में वो नहीं चढ़ा। देखिए, जब आप किसानों के हित के लिए खड़े हों और आपके अंदर एक बीमारी आ जाए ना, छपास की बीमारी, जिस आपको ये लगे कि मुझे छपना है, तो आप अपने असल मुद्दों से भटक जाते हैं। कि किसी भी आंदोलन का जो चरित्र होता है वो उसके नेता का चरित्र होता है। ये आंदोलन क्यों अराजक हुआ? क्योंकि उनके नेता इन जैसे लोग थे। उस पैसे को वो किसानों के लिए आया था, आंदोलन किसानों के नाम पर था, तो वो पैसा कहीं ना कहीं किसानों के लिए था, लेकिन वो गया एक खास परिवार के पास। उसके बाद उससे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगेंगी, ज़मीनें खरीदी जाएंगी। ये उस कृषि आंदोलन के खिलाफ थे। इनके बड़े भाई जाके गन्ने की फैक्ट्रियां लगा रहे थे सिंगापुर की कंपनियों से। क्यों लगा रहे थे? बेचते मंडी में जाके। लेकिन देखिए, इनका दोहरा चरित्र है। ये कैमरे के आगे कुछ और हैं, कैमरे के पीछे कुछ और हैं। तो इस तरीके से इन्होंने एक झूठ का जाल बुना, जिसके बाद ना ही सिर्फ किसान बल्कि उनके खुद के संगठन के लोग त्रस्त आ गए और उन्होंने उनका साथ छोड़ना चाहा। क्योंकि वो भाई इन एक खास परिवार की वजह से ना वो किसानों का ही छोड़ सकते हैं, ना वो खुद बदनाम हो सकते हैं। इन्होंने ये देखिए, इन्होंने कहा हम अराजनीतिक हैं, ये पूरी तरीके से अराजनीतिक है। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को किस पार्टी ने राज्यसभा का ऑफर नहीं दिया? जनता दल ने दिया, मुलायम सिंह ने दिया, भाजपा ने दिया, लेकिन उन्होंने कभी नहीं लिया। ये इन्होंने तो जाके वहाँ पे सेटिंग कर ली कि भाई मुझे खतौली से चुनाव लड़ा दो, अमरोहा से चुनाव लड़ा दो, जमानत जब्त हो गई। ये इनकी मतलब स्थिति है। ये चुनाव बूथ के बाहर खड़े होकर कहते थे चुनाव कोको ले जाएगी, इनकी कोको पे ठोको भारी पड़ गया, लोगों ने ठोक के वोट दिया। और आज मैं पार्क में खड़ा हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ वो कोको कहाँ गई, वो कोको इनके नीचे से इनकी कुर्सी छीन के ले गई। तो क्या लग रहा है, कहीं पैसा ही तो सारी जो दरार आई है, पैसा तो इसकी वजह नहीं बना? देखिए, इसमें पैसा भी है। लोगों की जो जिन लोगों ने पूरा इन्हें समर्थन दिया, पूरा जीवन दिया, किसी ने 30 साल, किसी ने 35 साल, उन्हें इन्होंने दरकिनार कर दिया। और कुछ लोगों को जो अभी अभी नए नए आए हैं उन्हें भर्ती कर लिया। 11 साल से यूनियन में चुनाव नहीं हुआ है। किस हैसियत से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और ये बन के बैठे हैं प्रवक्ता? चुनाव कराइए ना, संगठन का चुनाव क्यों नहीं होता? कुछ लोग कहते हैं कि महेंद्र सिंह टिकैत ने यूनियन बनाई थी, इसलिए यही उनके वारिस हैं, इनको कौन निकालेगा यूनियन से? देखिए, उन्होंने एक यूनियन बनाई, एक ध्येय के साथ यूनियन बनाई, लेकिन इन लोगों ने उसे अपने स्वार्थ के लिए कब्जा कर लिया। ठीक है, चुनाव, तभी तो मैंने बात कही ना, चुनाव होना चाहिए। अब चुनाव करा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, देख लेंगे कौन कितना। इन्होंने तो भाजपा के खिलाफ भी पूरा जोर लगाया। मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन उन्होंने लगाया ना, खुल के कहा इन्होंने। इन्होंने अपने यहाँ रालोद के टिकट जिन्हें मिले थे उनके लिए अपील भी करी। क्या हुआ? हार गए ना, बिल्कुल हार गए। लेकिन सुबह को राजेश चौहान अध्यक्ष नहीं बन जाते, उसके बाद शाम को राकेश टिकैत नई लिफ्ट जारी करते हैं, वो कहते हैं कि ये जो लोग हैं हम इनको संगठन से निकाल रहे हैं। देखिए, वो फेस सेविंग है। अब वो क्या करते, जब उन्होंने अलग संगठन बना लिया, अपना एक अलग मजबूत संगठन बना लिया। देखिए, वो कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, वो ऐसे नहीं है जो साल भर पहले, 6 महीने पहले आंदोलन से जुड़े थे। वो जब से जुड़े हैं, जब से राकेश टिकैत भी नहीं जुड़े थे, जब ये नौकरी करते थे, लाल किले पर डंडा लेकर खड़े रहते थे, वो उससे पहले के जुड़े हुए हैं उनसे। उन्होंने वो, अगर वो बड़े नाम है संगठन में, अगर उन्होंने कुछ निर्णय लिया है तो उसकी कुछ वैल्यू है। जी।
तो क्या लगता है आप जो यूनियन है दो भागों में बट जाएगी, राकेश टिकैत नई यूनियन का संगठन करेंगे? देखिए, ये जो कल बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की 11वीं पुण्यतिथि थी उस पर जो नया संगठन बना है वो राकेश टिकैत जी के राजनीतिक और किसान जो मुखौटा है उसके पतन की शुरुआत है। अब जो वो संगठन है वो सही मायने में अगर काम करेगा, अगर वो थोड़ा भी काम करेगा तो जनता उनके साथ जुड़ने को तैयार है, क्योंकि इनके खुद के साथ के लोग, जैसे अभी बात की गई धर्मेंद्र मलिक, उन्होंने क्या उनसे कंधे से कंधा मिला के हर जगह उनके साथ काम नहीं किया? लेकिन जब ऐसे मजबूत आदमी का प्रताड़ना होगी तो फिर तो देखिए परिवार से बाहर वो देख नहीं सकते। उन्होंने एक ऐसे जैसे घोड़ा लगा लेता है ना, वो बस परिवार दिखता है, उसके बाहर उन्हें कुछ नहीं दिखता, उसे परिवार का ही दिखता है। वो तो पहले मीडिया प्रभारी थे, अब राष्ट्रीय प्रवक्ता बन गए, तो उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, अब उसे वो किसानों की बात वो ढंग मजबूती से रखें मीडिया में जाके, उनकी अब जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि अब वो पूरे एक बड़े संगठन का, मुझे लगता है कि शायद यूपी का सबसे बड़ा संगठन होगा, उसकी बात वो मजबूती से रखें और किसानों की और यूपी के हर जनता की बात उन्हें रखनी चाहिए, अब उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है जी। तो आपने देखा होगा पहले भी राकेश टिकैत नरेश टिकैत लगातार कहते थे कि भाई कुछ जयचंद है, अब वो जयचंद कौन है, किस तरीके से ये हो? देखिए, जयचंद की बात वो कर रहे हैं जो खुद निरंकुश राजा बने बैठे हैं। देखिए, अगर इन्होंने जिस तरीके से संगठन को चलाया, अब ये अपना जो होता है ना खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, अब ये वो बात हो गई है, अब ये बस अपना चेहरा बचा रहे हैं क्योंकि इन्हें पता लगा है कि कोको आई थी वो इनके नीचे से इनकी कुर्सी ले गए और चली गई है और इन्हें पता भी नहीं लगा। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि पे ये हुआ है, कितना बड़ा मैसेज है, देश के सबसे बड़े किसान मसीहा की पुण्यतिथि के दिन ये काम होना, तो यानी कि कितनी ज़्यादा उन लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन थी इस चीज़ को लेकर और कितना मुश्किल बना दिया था संगठन में राकेश टिकैत और उनके परिवार ने कि उन्हें इस महत्वपूर्ण दिन के दिन ये फैसला लेना पड़ा। क्या लगता है राकेश टिकैत इतनी आसानी से हार मान लेंगे? देखिए, पैसा तो उन पे है ही, अब वो उसका भी इस्तेमाल करेंगे, साम दाम दंड भेद, अगर उन्हें अपनी राजनीतिक विरासत बचानी है। देखिए, वो दो साल पहले जहाँ थे वहीं आ गए हैं, वो टोल जी भी थे, टोल का आंदोलन करते थे, बीच में खालिस्तानियों का और इनका पैसा आया, आम आदमी पार्टी और उनका, तो उनका एक अच्छा मतलब बैंक बैलेंस बन गया, अब वो फिर से वहीं पर आके खड़े हो गए हैं जहाँ से चले थे। तो ये उनकी खुद में कोई वैचारिक वो नहीं है, बस गांधी जी के वो भक्त हैं तो उसी का वो सब चल रहा है। अच्छा, जिस तरीके से वो सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार का समय हाथ है, आपको क्या लगता है कि सरकार बदला ले रहे हैं क्योंकि चुनाव में उन्होंने विरोध किया? देखिए, सरकार क्यों बदला लेगी, सरकार ने पार्टी ने चुनाव लड़ा, वो जीत गई, अब वो अपना काम करेगी। अगर वो इन छोटे छोटे संगठनों के लड़ाई झगड़े में घुसेगी तो काम कैसे करेगी? उन्हें तो अगले 5 साल का सोचना है ना। इस संगठन को या इससे जुड़े हुए नेतृत्व को तो जनता ने नकार दिया, इन्होंने खड़े होकर वोट मांगी उनके खिलाफ, इन्होंने नहीं दी, तो सरकार क्यों अपना टाइम वेस्ट करे? सरकार पे और बड़े काम है, उन्हें बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने हैं, देश की रक्षा करनी है और बहुत चीज काम है। एक छोटे से टोल की राजनीति करने वाले नेता के बारे में वो अपना क्यों समय खराब करे? आप छोटे से नेता बता रहे, वो तो इतने बड़े नेता थे, पूरा भारत आज उनको जानता, आंदोलन किया, बिल वापस करवा दिए। देखिए, पत्रिकाओं के कवर पेज पे छपने से कुछ नहीं होता, पत्रिकाओं के कवर पेज पे तो राहुल गांधी भी छप रहा है लेकिन वोट कितनी मिलती है, उसका तो राजनीतिक अस्तित्व भी खत्म हो गया। ये चुनाव लड़ लेना, दो बार लड़े, क्या हुआ, निलबटे सन्नाटा। देखिए, अखबारों में आने से कोई बड़ा नेता नहीं बनता, बड़ा नेता बनता है जमीनी स्तर पे कार्यकर्ताओं में और जनता में उसकी पकड़ कितनी है उसके ऊपर। देखिए, ये आंदोलन में खुद भी कुछ नहीं थे, ये सिर्फ इसलिए बड़े बने क्योंकि पंजाब के नेताओं को हिंदी न्यूज़ चैनलों में बोलना नहीं आता था, इन्हें बोलना आता था, ये बोल दिए इसलिए ये बड़े नेता बन गए। ये तो आंदोलन में भी 15 दिन 20 दिन बाद पीछे जुड़े थे, अगर इतने बड़े नेता होते इन्हें पहले दिन ना बुलाते, कि 30 संगठन क्यों नहीं बुलाया था? वो तो ये तो बाद में आए जबरदस्ती कि हमें भी ले लो जी, हमारी भी राजनीति चल जाएगी। तो ये कोई बड़े नेता नहीं है, मीडिया ने बना दिया क्योंकि मीडिया को टीआरपी चाहिए, क्योंकि वो एक खास तरह के लहजे में और एक खास तरह की भाषा में बात करते हैं तो वो टीआरपी के लिए अच्छी होती है, तो जनता ने इसलिए, मीडिया ने इसलिए दिया। अब कितने मीडिया इंटरव्यू ले रही है, मीडिया अब अपने दूसरे काम में लगी है। मीडिया देखिए, मीडिया क्या दिखा रही है आप उस पर मतलब विश्वास करिए, ग्राउंड पे क्या स्थिति है, कितनी पकड़ है उस पर विश्वास करिए। आपको क्या लगता है राकेश टिकैत इतनी आसानी से हार मान लेंगे क्योंकि इतने दिनों से आंदोलन किया, आंदोलन की उनको आदत है, सरकार को झुकाने की आदत है? ये कल हार का ही परिणाम है क्योंकि जो पाप का घड़ा था वो भर चुका इनका, और पाप का घड़ा भरने के बाद ये स्थिति पैदा हुई। और हार जहाँ तक मानने की बात है, हार तो वे स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि स्वीकार करनी भी नहीं चाहिए। और अब
पता लगेगा उनके अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितने मजबूत नेता हैं वे, कि अपने इस भारतीय किसान यूनियन संगठन को कितनी मजबूती के साथ अब कितने बड़े बड़े आंदोलन करते हैं, यही उनकी मजबूती दिखाएगा। और अगर वो ये काम नहीं कर पाते तो इसका मतलब हार ही मानना होगा। तो क्या लगता है एक और यूनियन खड़ी होने वाली है मुजफ्फरनगर के अंदर? बिल्कुल स्वाभाविक है, और हम तो चाहते हैं जितने ज़्यादा संगठन होंगे उतना ही ज़्यादा लोगों की बातें सुनी जाएंगी। और धर्मेंद्र मलिक इन्हीं के बीच का पला हुआ एक छोटा सा बालक मैंने देखा है कंप्यूटर पर बैठ करके जब वो काम करता था, और आज वो धीरे 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 और उनकी सारे क्रियाकलापों को वो जानता है, कहाँ इन्होंने क्या क्या किया है और किस तरह से इन्होंने राजनीति की है, उसने भी कहा क्या यहीं से सीखा है। और मैं शुभकामनाएं देता हूँ धर्मेंद्र मलिक को कि वो आगे बढ़े और मजबूती के साथ किसानों की आवाज़ उठाए, और पूरी जनता उनका सहयोग करेगी और उनका आगे बढ़ाने का काम करेगी, क्योंकि राकेश टिकैत एंड जो कंपनी है इससे किसान त्रस्त हो चुका है और परेशान आ चुका है। तो मुझे आशा नहीं, पूरी उम्मीद है कि जो नया संगठन बना है वो दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे और वो किसानों की आवाज़ बन करके इस समाज में आए।